अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं नेहा गाजी और आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज मैं इतनी सुबह सुबह उठी हूँ देखो, और इसका रीज़न ये है कि हमें जाना है डॉक्टर के पास। अभी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं चल रही है इनकी भी और मेरी भी, तो आज हमारा सारा दिन बस चेकअप में जाने वाला है, डॉक्टर के पास जाने वाला है। और मैं ये अपनी रोटी और चाय खा रही थी, चाय रोटी खा रही थी बाहर की सुबह ठंड वाली। वैसे यहाँ इतना कुआसा है नहीं, सुबह सुबह उठ गई हूँ। वैसे मैं उठती नहीं हूँ जो सच है, क्योंकि रात भर अभी भी मतलब अलेहा उठी हुई है अंदर, तो मुनिया उसको लेके बैठी है, तो अलेहा के चक्कर में मेरी पूरी रात ऐसे बीत जाती है। तो मैं उठती हूँ आराम से 12-1 बजे, कभी 2 बजे भी सो के उठती हूँ मैं। तो ये अभी चल रहा है ऐसा, अलेहा की वजह से ऐसा रूटीन चल रहा है, बट ये परमानेंट रूटीन नहीं है मेरा। तो क्योंकि मुझे खुद को भी थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए ना, इसलिए तो आज का दिन मेरा थोड़ा बिजी जाने वाला है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ जब मैं मतलब खुशियां शेयर करती हूँ, थोड़ा सा दुख भी इन्हों शेयर कर ही लेती हूँ। तो इसलिए अभी मैं और गेजी आज हम लोग दोनों जा रहे हैं चेकअप के लिए। उनका पूरा फुल हेल्थ चेकअप है, उनकी तबीयत भी सही नहीं चल रही है काफ़ी टाइम से, और मेरे भी थोड़ा सा कुछ इशू हो रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर ने ऑलरेडी दिखा के आई, बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। लेकिन आज ही मुझे बोल रही है कि चलो मेरे साथ ही चलो, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह और अभी जाना है मुझे इनके साथ। शायद मेरी शक्ल देख के किसी को लगेगा नहीं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन हकीकत में ना मैं ऐसी ही हूँ। मतलब मेरे जितने भी बड़े बड़े दुख आ जाए वो मेरे अंदर तक रहते हैं, मेरे थोबड़े पर नहीं आते हैं, मतलब मेरे चेहरे पर नहीं आते हैं। तो चलो ठीक है, अभी मैंने नाश्ता कर लिया है चाय रोटी का, और अब मैं बस नहाऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे, फिर आप लोग को लेके चलती हूँ अपने साथ। फ्लावर हमने उस दिन लिए थे, इसमें एक फ्लावर निकला है ये लाइन से, ये गेंदा है अभी निकला नहीं है, ये अभी हमने यहाँ पे जस्ट ऐसे ही सजा के रखा हुआ, फिर मैंने इस तरीके से रखा है। बट अभी और भी गमले लगाना बाकी है, और मैंने जो सोच रखा है वो मैं बता दूँ। मैं यहाँ से मतलब ग्रीन ग्रास का जो कारपेट आता है ना, वो पूरा हम यहाँ पे बिछाएंगे, और इसको हम गार्डन जो गार्डन एरिया होता है ना, गार्डन एरिया की तरह मुझे बहुत शौक है उसको डेकोरेट करने का, तो मैं वही करूँगी इसको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वैसे डेकोरेशन हो। ये देखो सबसे ख़तरनाक चीज़, ये हम यहीं पे बैठा के रखते हैं आजकल, क्योंकि अगर ये यहाँ पे नहीं होता है ना तो सारी चिड़िया आकर के पूरा हॉल गंदा करके चली जाती है। मतलब ये जितनी बाउंड्रीज आप देख रहे हो ना, सब पे कुछ ना कुछ मतलब बहुत गंदगी रहती है। और अभी देखो कितना क्लीन लग रहा है, ठीक है, ये पूरा बहुत साफ़ सुथरा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। थैंक यू, आज इन्होंने गाड़ी निकाली दे। क्या कर रहे हैं आपका फॉर्म फिल कर रही हूँ ना, हेल्थ कलर फुल हेल्थ चेकअप में कितना कुछ करवाना पड़ता है इंसान को, इसलिए मैं कभी नहीं करवाऊंगी ये जी। टेस्ट बाकी है, खाना खा लिया, हाँ पी पी। सारा दिन कट गया है ना, सुबह से लेकर ये लास्ट हो रहा है पीपी। ये भैया ले रहे हैं इनका ब्लड, चलो स्टार्ट करोगे? यस, जाना तो है, आज का दिन यही कट गया सारा दिन। अब हम यहाँ से जाएंगे, एक तो हम जाएंगे आईफोन के स्टोर पे, क्योंकि मुझे इस फोन का कुछ काम है, और उसके बाद मुझे जाना था कारपेट लेने के लिए, लेकिन ये पता नहीं जाएंगे।
चल लेना एक बार। चलते चलते जा रहे हैं ऐसे सुमताज जो है सभी चीज़ों का स्टोर है वैसे तो है ना, वहाँ पे सारे ही तो फ़ोन मिलते हैं, आईफोन से लेके सब सब। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कहाँ, बड़ा बाजार जा रहे हैं। गाड़ी है क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड इलाका है, यहाँ पर गाड़ी लाना इम्पॉसिबल था, है ना, इसलिए पार्किंग में गाड़ी है अब हम जा रहे हैं। हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अब बस घर बस पहुँचने वाले हैं और ये रास्ते में चाय की दुकान है ना, दिखी है नहीं दिखेगी, तो यहाँ की चाय बहुत टेस्टी होती है तो गिज़ लेने गए हैं, तो चाय पी के फिर हम कुल्हड़ वाली चाय। मेरी मम्मा आज कारपेट लेके आई है और मेरी मम्मा इतनी कंजूस है कि कारपेट से ही पैदान बनाए, इतना सारा वेस्ट हुआ है। हाँ वही तो देख रहा हूँ, लेकिन इसमें से जितनी घास निकली है सारी मैंने अच्छे से रखी है क्योंकि मेरे को घास से कुछ बनाना है। अभी मैं इसको बहुत खूबसूरत करके बना दूंगी, तो दे ना मैं इसके ऊपर भी तो लगाऊंगी ना।